हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं हूँ कुदरगढ़ में, जो कि सूरजपुर जिला में पड़ता है। और अपने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था कुदरगढ़ के माता रानी जो है कुदरगढ़ी मैया का आप लोग को दर्शन कराया था। और गाइस, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कुदरगढ़ में जो अभी महोत्सव होने वाला है 26 मार्च से, उसकी तैयारी कैसे चल रही है। और साथ ही मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए इस बार क्या खास व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से किया गया है। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा यहाँ की दुकान वगैरह सभी चीज़ लग चुके हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं और ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस, अभी मैं माता के दरबार में जाने वाला मेन रास्ता में हूँ। और गाइस, इस बार का जो होने वाला है कुदरगढ़ महोत्सव, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक अभिनेता आ रहे हैं। और ये कुदरगढ़ महोत्सव 26 मार्च से और 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा भीड़ होने वाला है इस बार। और आप लोग देख सकते हो कि कुदरगढ़ में दोनों साइड दुकानें लगकर तैयार हैं। और आज तो तीसरा दिन है, इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब महोत्सव का आगाज़ हो जाएगा, जब महोत्सव का शुरुआत हो जाएगा, तो ये आप लोग को जो सड़क दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से फुल हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो ये दोनों साइड दुकानें लगी हुई है। और यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं पूजा सामग्री ले सकते हैं और अपने ज़रूरतों की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ स्टेज की ओर, जहाँ पर महोत्सव होना है 26 मार्च से, क्या कुछ व्यवस्था है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं इस बार उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है शासन प्रशासन की ओर से, वो सारा कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप लोग देखिए, अभी रोड के दोनों साइड में दुकानें पूरी तरह से लगकर तैयार हैं और अभी चलते हैं आगे। गाइस, सड़क के दोनों साइड में इस तरह की दुकानें लगाई गई हैं जहां से लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहां पर बहुत सारी सामग्रियां इस बार लाई गई है। और यहां पर छोटे छोटे सीलोंग आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। और यहां पर तांबे के कुछ वस्तुएँ हैं और यहाँ पर देख सकते हो लेडीज़ों के लिए श्रृंगार की कुछ वस्तुएँ हैं। और बहुत सारी यहाँ पर दुकानें इस बार लगी हुई है। और ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ की दुकानों का नज़ारा है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाला है इस बार और उसका तैयारी लगभग पूरा हो ही गया है। ये देखिए कितने सारे दुकान हैं, यहाँ से जो यहाँ पर महिलाएं आती हैं मेला देखने के लिए, माता रानी का दर्शन करने के लिए, वो अपने ज़रूरतों की चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। और अभी गाइस चलते हैं आगे और आप लोग को दिखाता हूँ आगे का नज़ारा कैसा रहता है और क्या कुछ इस बार नया होने वाला है। तो फिलहाल आप लोग देखिए, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर अभी लग चुकी है। और गाइस, यहाँ पर जलपान के लिए होटलों की बहुत सारी है व्यवस्था। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगढ़ आते हैं नाश्ता वगैरह सभी चीज़ कर सकते हैं। और ये गेट है देखिए, जय माँ कुदरगढ़ी। और अभी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या कुछ नया इस बार किया जा रहा है, मतलब स्नान वगैरह का क्या व्यवस्था है जो भी आते हैं यहाँ पर। और स्टेज वगैरह का भी क्या हाल है, कितना बन चुका है, अभी आप लोग को दिखाऊँगा। और इस बार का महोत्सव में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है, तो अभी चलते हैं। और ये देखिए सामने ये है मेन गेट इसका, और यहाँ से आप लोग को अभी दिखाता हूँ कैसा है व्यू। और अभी तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि लोग अभी उतना ज़्यादा आ नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अभी धूप किया हुआ है, गर्मी काफ़ी तेज़ है। और फिलहाल आप लोग देखिए, ये है कुदरगढ़ मैया का दरबार में जाने का मेन गेट। और गाइस, इस बार जो भी श्रद्धालु आते हैं चाहे महिला हो या पुरुष, उनके लिए समिति की ओर से स्नान गृह इस बार बनाया गया है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान वगैरह कर सकते हैं, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। और माता के दरबार में जाने का जो है कि सीढ़ी यहाँ से प्रारंभ होती है। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और माता रानी का दर्शन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ स्टेज की ओर कुदरगढ़ महोत्सव के लिए, जो कि 26 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन की टीम भी बड़ी चौकन्नी है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना मेले में ना हो। तो फिलहाल अभी चलते हैं। तो गाइस, माता रानी के दरबार में जाने का जो गेट है उसके लेफ्ट साइड में इस बार स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। तो फिलहाल अभी मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके विश्राम की क्या व्यवस्था की गई है वो आप लोग को दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पर जो महोत्सव होने वाला है कुदरगढ़ महोत्सव, उसके लिए अभी कितना कुछ तैयारी हो चुका है, टेंट वगैरह कितना कुछ लग चुका है, वो अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पूरा अभी तैयारी चल रहा है यहाँ पर जोरों शोरों से। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो ये बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें चैत्र नवरात्रि एवं
रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर दिया जा रहा है पोस्टर के माध्यम से समिति की ओर से। और गाइस ये देखो यहाँ पर पूरा अभी महोत्सव होने वाला है जिसका तैयारी अभी शुरू हो गया है। और आप लोग देख सकते हो कि टेंट लगना स्टार्ट हो गया है, पूरा पंडाल इसको बनाया जाएगा और इस बार काफ़ी बड़ा पंडाल ये बनाया जा रहा है। और स्टेज वगैरह आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी चलते हैं अंदर और अंदर से आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए गाइस पूरा यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और पंडाल को पूरी तरह से अभी तैयार किया जा रहा है। ये देखिए और काफ़ी बड़ा इस बार का पंडाल होने वाला है और काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए ये स्टेज है, पूरा काफ़ी बड़ा स्टेज है और यहीं पर पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। तो गाइस कुदरगढ़ महोत्सव के लिए बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है और इसी पंडाल में जो है कि पूरा आप लोगों को बता दें जितने भी महोत्सव में होने वाले हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा यही पंडाल में होगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं यहां पर जो श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था किया गया है उसको और क्या कुछ नया व्यवस्था है वो आप लोग को दिखाता हूँ। और जो भी श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, ये बिल्कुल निशुल्क होगा। तो गाइस ये देखिए ये है श्रद्धालुओं के लिए विश्राम की व्यवस्था। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दूर से या फिर आसपास के वो लोग यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, उनके लिए पूरा विश्राम के लिए पंडाल बनाया गया है और इस तरह का कुछ है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जो कि मेन रास्ता है उसके लेफ्ट साइड में बनाया गया है स्नान घर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा व्यवस्था किया गया है। स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग। और ये देखिए इधर पूरा स्नान कर सकते हैं, ये श्रद्धालु जो भी आएंगे यहाँ पर उनके लिए पूरा स्नान करने का व्यवस्था बनाया गया है। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान ध्यान करके अपना जो है कि माता रानी का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से चलते हैं अभी बाहर और आप लोग को आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी गाइस मैं आ गया हूँ जहाँ पर मैं अपना बाइक पार्क किया था वहाँ पर और अभी पूरा आप लोग को कैंपस दिखाया कुदरगढ़ का जहाँ पर मेला लगने वाला है। और गाइस अगर आप लोग अगर माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं तो अभी दो चार दिन के अंदर में आ जाइएगा और मेला में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा और तैयारी आप लोग को पूरा दिखाया कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारी चल रहा है। और आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लोग पूरा देखे होंगे कुदरगढ़ का कैंपस और इस बार मेला में क्या कुछ खास है आप लोग को पूरा देखने को मिला होगा वीडियो में। और ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।